बच्चों, सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। इस चैप्टर में हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नंबर। यू कैन सी अ स्टेटमेंट इज रिटन, हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, मैच विद द नंबर, नंबर के साथ मैच करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। आई कम बिटवीन 40 and 50 एंड देयर इज अ 5 इन माई नेम, कि मैं 40 और 50 के बीच में आता हूँ और मुझ में एक डिजिट 5 भी है। सो व्हेन यू काउंट फ्रॉम 41 to 49 यू विल गेट ओनली 45, दैट हैज 5 ऑल्सो। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90, मतलब मेरी में 9 भी एक डिजिट आती है और मैं 90 के बहुत ही क्लोज हूँ। सो यू कैन सी दैट देयर आर 3 नंबर्स दैट आर नियर टू 90, दैट इज 96, 89 एंड 87। बट 89 इज द नंबर दैट इज नियरेस्ट टू द 90। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी, कि अगर आप 4 रन और लगा लेते हैं तो आपकी एक सेंचुरी बन जाएगी। और सेंचुरी में कितने रन होते हैं, 100। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है जिसमें आप 4 ऐड करेंगे तो आपका 100 बन जाएगा? यस, इट इज 96। नेक्स्ट इज आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, मतलब मैं 10 के 10 नोट के बराबर हूँ। तो 10-10 के अगर आपके पास 10 नोट होंगे तो आपके कितने पैसे बन जाएंगे? यस, इट विल बिकम ₹100। नेक्स्ट है हमारा आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, मतलब मैं एक सेंचुरी हूँ और उसमें हाफ सेंचुरी भी है। तो 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 रन्स एंड हाफ सेंचुरी इज इक्वल टू 50 रन्स। सो 100 + 50 बिकम्स 150। नाउ द लास्ट इज आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 and 97। तो बेटा जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको एग्जैक्टली इन बिटवीन कोई नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें एक रूल यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर को ऐड करेंगे, दैट इज 77 + 97, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यस 77 14 97 16 and 1 17 174 by 2। और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे देन इट विल बिकम 8 and 7, isn't it? That is 87. So it will become 87. So in this way you can also match these, write in your notebook and match these. Now we'll come to the next page. Just see इन दी हाउ मैनी आर दीज, ये कितने हैं। ओके, इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दे आर 2 notes of 100 and 4 notes of 10। सो 100 + 100 = 200 and 10 = 220 and 10 = 230 and 10 = 240, सो इट बिकम टोटल 240 rupees। नाउ कम टू द नेक्स्ट। देयर आर 3 bundles of 100, दैट इज 100 and 100 200 and 100 300, एंड दिस इज अ बंडल ऑफ 10 sticks, देन इट विल बिकम 310 एंड सम लूज स्टिक्स आर ऑल्सो देयर। हाउ मैनी आर दीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, सो दे आर 9, दैट मीन्स इट विल बिकम 300, 10 के प्लेस पर 1,
and 9, that means it will become 396. Now come to the next. There are some squares are given. So this is a square of 100, 200, 210 and 2. That means 210 and 2, 12. 212 blocks are there. Now see, a necklace is also given there. In the first necklace, I think there are 100 beads, and 3 small necklaces are also each containing 10 beads. So 110, 110, 120, 130, and loose beads are also there, and these are 8 beads. So they'll become 138 beads. Now again count the money. 100 rupees, 200 rupees, 300 rupees, 310, 320 rupees. So it will become 320 rupees. So beta, do both of these worksheet in your notebook for today.